नमस्कार दोस्तों, तो रिसेंटली स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 वाले इंडिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है रेडमी 12 5G, जिसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 12,000 रुपये। अब इसका नाम है स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, तो इसका मतलब थियोरिटिकली स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का अपग्रेड वर्जन होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 वाले स्मार्टफोन है, जो कि मैंने खुद इस्तेमाल किया था IQ Z6 Lite, अगर ये वाला स्मार्टफोन आपके पास है, तो क्या आपको सिर्फ परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के लिए स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 वाले फोन में शिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 है, तो बस अभी लॉन्च हुआ है, मतलब Q2 2023 पे लॉन्च हुआ है। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 ये लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट इसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, मतलब Q3 2022 पे लॉन्च हुआ था। तो अगर हम दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, दोनों ही प्रोसेसर 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, दोनों पे आपको मिलेगा 2+6 कोर स्ट्रक्चर, मतलब 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 6 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर आपको मिलेगा, मतलब कोर काउंट में दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर हम दोनों के CPU आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, वैसे मैंने मेरे हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो में आपको यही चीज कहा है कि जब हम ऐसे दोनों प्रोसेसर के अंदर कंपैरिजन करेंगे, उस टाइम पे जिस प्रोसेसर के जो नैनोमीटर नंबर दूसरे के मुकाबले कम होगा, तो उस प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट दूसरे के मुकाबले बेटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसमें आपको मिलेगा 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, और जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसमें आपको मिलेगा 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट, उस मामले में नया वाला जो प्रोसेसर होगा बेटर। लेकिन जो नया वाला 4 nm वाला जो प्रोसेसर, ये बना है सैमसंग का आर्किटेक्चर पे, लेकिन जो पुराने वाला स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, वो बना है TSMC का आर्किटेक्चर पे। और अब इस वाली पिक्चर पे देख सकते हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था, ये जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा CPU थ्रॉटलिंग हो रहा है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसका मतलब जैसा सैमसंग के हर एक आर्किटेक्चर वाले फोन में होता है, बैटरी एफिशिएंसी तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा, लेकिन फोन नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हीट होगा। नेक्स्ट अगर दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें, तो इधर दोनों प्रोसेसर में आपको मिलेगा 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A78 कोर, उसके साथ 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर्टेक्स A55 कोर। जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसका जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर, उसका स्पीड है 2.2 GHz, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसका परफॉर्मेंस सीरीज का कोर का स्पीड है 2.0 GHz। और अगर पावर एफिशिएंसी कोर की बारे में बात करें, उसमें स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का स्पीड है 2.0 GHz, और स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का उसी पावर एफिशिएंसी सीरीज के कोर का स्पीड है 1.8 GHz। तो मतलब देख ही सकते हैं कि दोनों का जो नंबर ऑफ कोर या फिर जो क्वालिटी ऑफ कोर, वो तो एग्जैक्टली सेम, बस आपको 0.2 GHz का CPU स्पीड में आपको बूस्ट मिलेगा। इसके बाद दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, दोनों प्रोसेसर में आपको मिलेगा डुअल चैनल रैम। स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 में आपको मिलेगा मैक्सिमम LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 में आपको मिलेगा LPDDR4X तक का रैम का सपोर्ट। जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसका रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसका मैक्सिमम रैम का फ्रीक्वेंसी है 2133 MHz। और इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसका रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 25.6 GBPS, और जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसका मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 17.1 GBPS। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी रैम सपोर्ट में जो नया वाला स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, इधर है नो डाउट बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट की बारे में बात करें, तो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 में आपको मिलेगा eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 में आपको मिलेगा eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट। तो इसीलिए बेटर क्वालिटी मेमोरी सपोर्ट में ये जो जनरेशन 2, वो इधर है बेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में, तो जो नया वाला जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, इसमें आपको मिलेगा डुअल 12-bit वाला ISP, उसी जगह पे जो पुराने वाला स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल 12-bit वाला ISP। तो मतलब देख सकते हैं कि जो कैमरा स्ट्रक्चर, इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। और एक डिफरेंस है, मैंने ये चीज नोटिस किया है, क्वालकॉम के प्रोसेसर में जो डुअल ISP का फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, उसके ट्रिपल ISP वाला जो काउंटर पार्ट, उसके मुकाबले स्लाइटली लोअर रहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ISP के मामले में इधर स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 होगा स्लाइटली बेटर। जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसमें सिंगल कैमरा में मिलेगा 108 MP तक का कैमरा का सपोर्ट, डुअल कैमरा में मिलेगा 16+16 MP तक का कैमरा का सपोर्ट, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसके सिंगल कैमरा में 108 MP, डुअल कैमरा में 25 और 13 MP, और ट्रिपल कैमरा में 13 MP तक का कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। मतलब मैक्सिमम मेगापिक्सल वाले कैमरा सपोर्ट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम।
नेक्स्ट अगर दोनों की वीडियो कैप्चर की बारे में बात करें तो दोनों भी आपको मिलेगा फुल एच डी वीडियो 60fps और 720p स्लो मोशन वीडियो 120fps पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो मतलब इस वीडियो कैप्चर कैपेबिलिटी में दोनों एग्जैक्टली सेम, और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी 2K या फिर 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में। तो दोनों भी आपको मिलेगा मैक्सिमम फुल एच डी प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट, जिसका रिफ्रेश रेट होगा 120Hz, और दोनों पे मिलेगा मैक्सिमम फुल एच डी 60fps में वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन। मतलब इस डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के नेटवर्क सपोर्ट के बारे में। तो इधर आपको सबसे मेन डिफरेंस मिलेगा मॉडेम टाइप में। तो जो नया वाला स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, इसमें आपको मिलेगा X61 5G मॉडेम, और जो पुराना वाला प्रोसेसर उसमें आपको मिलेगा X51 5G मॉडेम। मतलब ये जो नया वाला जो मॉडेम, इसमें एक्चुअली आपको ज्यादा बैटरी सेविंग मिलेगा, इसीलिए दोनों पे 5G में डाउनलोड स्पीड है 2.5 Gbps, 5G में अपलोड स्पीड है 900 Mbps। इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा सबसेस की काज 5G, नेविक सपोर्ट, वाईफाई 5 और डुअल बैंड वाईफाई का ऑप्शन। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसमें मिलेगा ब्लूटूथ 5.1 का ऑप्शन, और जो पुराना वाला जो प्रोसेसर, उसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन। तो इसका मतलब इस नेटवर्क सपोर्ट के मामले में मोर और लेस दोनों सेम ही है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ये पे सबसे कंट्रोवर्शियल चीज, जो कि इसके ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 में आपको मिलेगा एड्रिनो 613 वाला ग्राफिक्स कार्ड, जो कि रन कर रहा है 955 मेगा स्पीड पे। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 में आपको मिलेगा एड्रिनो 619 वाला ग्राफिक्स कार्ड, जो कि रन कर रहा है 650 मेगा स्पीड पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ब्रांड ने कहा है, मतलब क्वालकॉम ने कहा है कि जो एड्रिनो 613 ये एक्चुअली लास्ट बार का जो एडिशन, मतलब एड्रिनो 619, इसके मुकाबले अपग्रेड है। तो इसका मतलब इसका जो मॉडल नेम की 613 और 619 ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, एड्रिनो 613 मतलब पुराने जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड नंबर के हिसाब से, और उसी जगह पे जो लास्ट बार का प्रोसेसर, उसमें आपको मिला था एड्रिनो 619, मतलब थोड़ा सा नया जनरेशन का प्रोसेसर नंबर के हिसाब से, मतलब मॉडल नंबर के हिसाब से। अब ये बोल सकते कि हर बार ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड का नंबर मतलब वो बेटर नहीं होता है, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया है, क्वालकॉम का जो भी ग्राफिक्स कार्ड, मतलब जो प्रोसेसर लॉन्च होता है, उसके अंदर का जो ग्राफिक्स कार्ड, उसमें एक्चुअली लॉजिकली जितना ज्यादा नंबर वो जो ग्राफिक्स कार्ड उतना बेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेरवेल प्रोसेसर के बारे में बताऊं, फॉर एग्जांपल एड्रिनो 630, उसका बेटर वर्जन है एड्रिनो 640, उसका बेटर वर्जन है एड्रिनो 650। तो मतलब लॉजिकली एड्रिनो 613 का बेटर वर्जन होना चाहिए लास्ट बार का एड्रिनो 619। अभी इसका प्रूफ आप नेक्स्ट वाले पिक्चर में देख सकते। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, एक्चुअली अनटूटो जीपीयू का चार्ट है। तो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का जो अनटूटो जीपीयू स्कोर, उसमें स्कोर किया है 60,000 के आसपास, और जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसका अनटूटो जीपीयू में स्कोर किया है 91,000 के आसपास। और इधर ये चीज भी नोटिस करना, जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2, उसका जो अनटूटो जीपीयू स्कोर, वो एक्चुअली वर्जन 10 का स्कोर है, लेकिन उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसका जो अनटूटो जीपीयू, वो एक्चुअली वर्जन 9 का स्कोर है। अभी अनटूटो के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, जब अनटूटो का नया जनरेशन लॉन्च होता है, तो सेम प्रोसेसर सेम सिस्टम में एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करता है। तो अगर हम उस लॉजिक को देखते, तो थियोरेटिकली स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का अनटूटो वर्जन 9 में स्कोर होना चाहिए 55,000 के आसपास, जो कि लास्ट बार का जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा लो है। तो इसका मतलब लॉजिकली ये जो नंबर आप देख रहे हैं कि लास्ट बार आपको मिल रहा था बेटर जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड, तो मतलब वो ठीक बैठ रहा है। तो इसका मतलब ब्रांड ने प्रोबेबली थोड़ा सा उल्लू बना दिया है। तो इसका एक और प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं, स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का अनटूटो वर्जन 10 में स्कोर है 4,47,000 के आसपास, जो कि अगर का जो Redmi 12 5G उसका ऑफिशियल स्कोर है। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का अनटूटो वर्जन 9 में स्कोर है 3,85,000 के आसपास। अभी इस चीज को मैं आसानी से समझा देता हूं, आप इस दोनों पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक्चुअली लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, उसका ऑफिशियल अनटूटो स्कोर है। इस जगह पे देख सकते हैं अनटूटो वर्जन 9 का स्कोर है, इस जगह पे देख सकते हैं अनटूटो वर्जन 10 का स्कोर है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम स्मार्टफोन, सेम यूजर इंटरफेस, सेम हार्डवेयर, लेकिन जब अनटूटो वर्जन 9 के साथ हम अनटूटो वर्जन 10 का स्कोर देखते हैं, तो सेम सिस्टम के ऊपर हमें 2,00,000 ज्यादा अनटूटो स्कोर मिलता है। अभी 2,00,000 जो ज्यादा अनटूटो स्कोर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर के लिए। अभी हम तो इधर स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, मतलब थोड़ा सा मिड रेंज प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इधर अगर उस थ्योरी को इस्तेमाल करूंगा, तो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का जो अनटूटो वर्जन 10 में स्कोर, जो कि 4,47,000 के आसपास, उसका अनटूटो वर्जन 9 में स्कोर होना चाहिए ऑलमोस्ट 4,00,000 के आसपास। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली
स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 और स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का दोनों का ही एंटूटू वर्षन 9 में स्कोर होगा 4 लाख के आसपास। तो इसका मतलब एंटूटू स्कोर के मामले में एक्चुअली दोनों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट अगर दोनों की गीकबेंच स्कोर की बारे में बात करें, जो नया वाला स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 उसका सिंगल कोर में स्कोर है 700 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर है 2000 के आसपास। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 उसका सिंगल कोर में स्कोर है 630 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर है 1850 के आसपास। मतलब ये तो होना ही था, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 इसमें आपको बेटर आर्किटेक्चर मिल रहा है, मतलब सीपीयू और भी ठंडा रहेगा। तो इसीलिए जब गीकबेंच स्कोर रन होगा तो इसका जो ओवरऑल स्कोर वो थोड़ा सा बेटर होगा कंपेयर टू लास्ट वाले एडिशन। और इसके अलावा इस वाले जनरेशन का जो स्पीड वो आपको मिलेगा 0.2 गीगाहर्ट्ज़ ज्यादा। तो इसीलिए इसका जो सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों ही मामले में थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में दोनों जनरेशन के प्रोसेसर के अंदर एक्चुअली कौन सा है बेटर, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद अगर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप नए वाले स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर आर्किटेक्चर जो कि बैटरी सेविंग में मदद करेगा, थोड़ा सा फास्टर सीपीयू, फास्टर रैम सपोर्ट और फास्टर स्टोरेज सपोर्ट। अभी सपोर्ट का मतलब ये कि अगर ब्रांड इस्तेमाल करेगा तो उसका बेनिफिट इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन अगर ब्रांड फास्टर रैम और सपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसका टास्क होगा एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 के ही जैसा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड और बेटर ISP। तो मतलब देखिए, वीडियो का आखिर में एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो नया वाला जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 लॉन्च हुआ है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से और मेरे जो चार्ट मैंने आपको दिखाया इसके हिसाब से, जो लास्ट बार का स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 उसके मुकाबले आपको ज्यादा अपग्रेड नहीं मिलेगा। बस एक ही जगह पे अपग्रेड मिलेगा, सीपीयू आर्किटेक्चर पे, बट एक प्रोसेसर का सबसे मेन चीज मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड उसमें आपको डाउनग्रेड मिलेगा, क्योंकि लास्ट बार का जो एंटूटू जीपीयू स्कोर वो है 91,000 के आसपास, इस बार का एंटूटू जीपीयू स्कोर है ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास, मतलब एग्जैक्टली आधा आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। क्योंकि लास्ट बार आपको मिला था एड्रीनो 619, इस बार आपको मिलेगा एड्रीनो 613। तो इसलिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे थे कि स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 लेंगे स्पेशली लास्ट बार के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए, तो मेरे ख्याल से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका टारगेट है ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी, तो इस बार का प्रोसेसर आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर होगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताएं कि आप इसके बाद स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 के साथ कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन हम देखना चाहेंगे, उसके बारे में वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।